नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इन्वेस्ट इन स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे TTML के स्टॉक के बारे में, आज की परफॉर्मेंस के बारे में और कुछ एक न्यूज़ निकल कर आई हैं उनके बारे में भी यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं, प्रीवियस क्लोजिंग जो थी स्टॉक की वो 13 रुपये 80 पैसे की थी और आज जो अच्छी खबर है वो ये है कि स्टॉक में जो अपर सर्किट है वो देखने को मिला है। स्टॉक का प्राइस 4.71% का रिटर्न आज दिया है सभी इन्वेस्टर्स को, यानी कि स्टॉक के प्राइस में जो ग्रोथ हुई है वो 65 पैसे की हुई है। और इसी के साथ जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं सभी के मन में एक उम्मीद जागी है कि यहाँ से जो स्टॉक है वो रिवर्सल ले सकता है। अगर बात की जाए 5 दिनों के चार्ट की, 5 दिनों का ग्राफ अगर आप देखेंगे तो, और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी इस चीज़ को कंसीडर किया था कि स्टॉक जो है वो अच्छे खासे सपोर्ट लेवल पर ट्रेंड कर रहा है, यानी कि 14 रुपये से लेकर 15 रुपये का लेवल जो है वो स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहा है। क्योंकि स्टॉक जो है कई बार यहाँ पर देखिए आपको देखने को भी मिला होगा 13 रुपये 80 पैसे के लेवल पर भी आया है, 13 रुपये 85 पैसे के लेवल पर भी आया है और उसके बाद वापस से 14 रुपये 14.5 रुपये के ऊपर ट्रेंड करता हुआ नजर आ रहा है। और कुछ दिनों तक ट्रेंड करने के बाद स्टॉक में जो गिरावट है वो देखने को मिली, लेकिन आज वापस से अपर सर्किट इस स्टॉक में लग चुका है। तो यहाँ पर उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी इस तरह की जो ग्रोथ है वो बनी रहेगी। और जो न्यूज़ निकल के आई है दोस्तों वो भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है, जिसके बिहाव पर हम कह सकते हैं कि जो स्टॉक है आने वाले दिनों में जबरदस्त रिटर्न देके जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और भी है दोस्तों, ये जो लेवल अभी चल रहा है 14 रुपये 14.5 रुपये का लेवल, ये बहुत ही कन्फ्यूज़न वाला लेवल है। क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पर पैसा लगाया हुआ है वो लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि स्टॉक को होल्ड करना चाहिए या फिर सेल कर देना चाहिए, और जो लोग फ्रेशर हैं फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं वो लोग भी यहाँ पर कन्फ्यूज़ हैं कि इस लेवल पर बाइंग करें या ना करें। क्योंकि देखिए स्टॉक जो है अभी बिल्कुल न्यूट्रल ट्रेंड कर रहा है, ना तो इसमें ज़्यादा लोअर सर्किट है ना ही ज़्यादा अपर सर्किट है। तो इस चीज़ के बारे में भी हम लास्ट में डिस्कशन करते हैं, उससे पहले जान लेते हैं न्यूज़ क्या है। दोस्तों, जो न्यूज़ निकल के आई है वो ये है कि टाटा वांट्स टू बाय ए स्टेक इन जस्ट डायल टू पुश दियर डिजिटल प्लान्स, इज दिस पार्ट ऑफ सुपर ऐप एक्सपेंशन। यानी कि टाटा जो है वो जस्ट डायल को एक्वायर करना चाहता है, जस्ट डायल में स्टेक जो है वो परचेज करना चाहता है। और वो क्यों करना चाहता है? क्योंकि वो सुपर ऐप को एक्सपेंड करना चाहता है, सुपर ऐप के प्रोजेक्ट को। तो बहुत अच्छी खासी जो न्यूज़ हैं वो निकल के आ रही हैं। देखिए दोस्तों, सुपर ऐप का जो प्रोजेक्ट है वो आज नहीं तो कल आने वाला है। केवल CCI की जो अप्रूवल है वो पेंडिंग है और जैसे ही अप्रूवल मिल जाती है सुपर ऐप जो है वो लॉन्च हो जाएगी। और लॉन्च होने के बाद आपको जो टारगेट्स देखने को मिलेंगे उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस लेवल पर बाइंग नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में आपको पछतावा जरूर होगा। और साथ ही यहाँ पर एक चीज़ और भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या हमें 14 रुपये 45 पैसे जो आज का लेवल चल रहा था, क्या इस पे बाइंग कर लेनी चाहिए? बहुत सारे लोगों ने आज बाय किया भी होगा और बहुत सारे लोग कल का वेट कर रहे हैं कि अगर कल स्टॉक के अंदर तेजी होती है या गिरावट होती है तो हम स्टॉक को बाय करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 14 रुपये का लेवल जो है वो बिल्कुल सपोर्टिव लेवल है। आप यहाँ पर कुछ दिन तक वेट भी कर सकते हैं, 14 रुपये से डाउन जाता है तो स्टॉक को आप बाय कर सकते हैं, बाय की पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन अगर स्टॉक जो है वो 12 रुपए के लेवल से डाउन जाता है तो आपने बिल्कुल भी बाय की पोजीशन नहीं लेनी है। स्टॉक के अंदर जो गिरावट है वो देखने को मिलेगी, लेकिन अगर 14 रुपए के लेवल में बना रहता है, 14 रुपए के 13 रुपए के लेवल में बना रहता है तो आपके पास बहुत अच्छा चांस है स्टॉक को बाय करने का। क्योंकि जैसे ही अनाउंसमेंट होगी लॉन्च डेट की, क्योंकि देखिए अप्रूवल की वजह से पेंडिंग है स्टॉक, और जैसे ही अप्रूवल आती है स्टॉक में जबरदस्त जो तेजी है वो देखने को मिलेगी। क्योंकि अभी जो टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड है वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है, क्योंकि टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड के ऊपर डेब्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं और जिनका इंटरेस्ट पे करने में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो चला जाता है, जिसकी वजह से TTML जो है वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। और अगर सुपर ऐप लॉन्च होती है तो सुपर ऐप की वजह से टाटा के पास काफ़ी अच्छा खासा जो रेवेन्यू है वो जनरेट होगा, जिसकी वजह से TTML जो स्टॉक है वो प्रॉफिट जनरेट करता हुआ नज़र आएगा आने वाले सालों में। और इसका सीधा सीधा असर जो है वो TTML के स्टॉक के ऊपर भी पड़ेगा। तो आप लोग डेफिनेटली बाय कर सकते हैं किसी भी लेवल पर, लेकिन अगर आप कुछ दिन वेट करेंगे तो आपको 25-30 पैसे का जो प्रॉफिट है वो मिल सकता है। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी लेवल पर इन्वेस्ट कीजिए, आपको प्रॉफिट ही मिलेगा इस स्टॉक में। और दोस्तों, इसी के साथ मैं एक चीज़ और बता दूँ कि मैंने स्टार्टिंग के
लेवल से ही वीडियो बनाई है इस स्टॉक में। जब स्टॉक का प्राइस यहाँ पर 21-22 रुपए का लेवल टच किया था, तब से लेकर अभी तक मैं हर एक स्टेप पे आपको सजेशन दे रहा हूँ, और आज की वीडियो भी एक सजेशन ही है। और इसको मानना ना मानना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और स्टॉक बाय करने से पहले आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए। सिर्फ वीडियो देखने के बाद आप किसी भी स्टॉक को बाय करने का डिसीजन मत लीजिए, आप खुद की स्टडी जरूर कीजिए। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।